Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture, we will prove the formula for the sector of circle. ठीक है, अगर हमने सेक्टर ऑफ सर्कल में एरियाज फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम प्रॉपर चेक करते हैं. ठीक है, देखिए अगर हम ना यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करें. ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज हमें सर्कल से ही रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग में हमें सर्कल चाहिए. ठीक है, अब देखें कि अगर इस सर्कल में आप सेंटर डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंटर इज हियर. ठीक है, और इस पॉइंट को हम ओ मार्क कर देते हैं. अब आप ऐसा करें कि इस पॉइंट से सिंपल सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स कंसीडर करके रेडियल सेगमेंट्स ड्रॉ कर लें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग रेडियल सेगमेंट्स हियर. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं एक और रेडियल सेगमेंट भी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और साथ ही हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज थीटा एंड दिस इज एनी एंगल. ठीक है, और इसको हम मार्क नहीं करते कि फिलहाल कौन सा एंगल है, ये भी थीटा ही है. ठीक है, अच्छा आप देखिए इसको ना एल मार्क कर लेते हैं, दैट इज आर्क लेंथ. ठीक है, और ये रेडियस है. फिर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये रेडियल सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की इक्वल है और एल लेट्स सी 6 सेंटीमीटर की इक्वल है, और ये 5 सेंटीमीटर हो, रेडियल सेगमेंट भी 5 सेंटीमीटर हो. ठीक है, ये देखें ये रेडियल सेगमेंट और आर्क्स इक्वल आ रही है. ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होल्ड करती हो ना तो हमेशा याद रखिएगा कि वो एंगल यहाँ रेडियंस में मेयर होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन साइड लिख देती हूँ रेडियंस, और यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियंस में होगा, बट ये 1 डिग्री की इक्वल होगा. ठीक है, मतलब 1 रेडियन की इक्वल होगा, और यहाँ पे थीटा में मेजर करेंगे. ठीक है, यही फर्क है कि यहाँ पे डिग्रीज में हम थीटा डिफाइन करते हैं, बट इधर हम हमेशा थीटा रेडियंस में ले रहे हैं. 1 रेडियन तब होगा जब आर और ये लेंथ इक्वल हो जाती है. ठीक है, बट ये है कि हमें किसी फॉर्मूला के थ्रू इसको प्रॉपर वेरीफाई भी करना चाहिए. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना ए बी सी डी पॉइंट्स वगैरह मेंशन कर देते हैं किसी डिफरेंट पेन से. ठीक है, मीन्स ये जो पॉइंट्स को हमने मार्क किया है ना उनको हम इससे मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ओ ए सी. ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना मेजरमेंट एंगल ए ओ बी डिफाइन कर लेते हैं. देखिए मेजरमेंट एंगल ए ओ बी और मेजरमेंट एंगल ए और सी, इन दोनों को अगर आप चेक करें, इन दोनों की रेशियो लें या आर्क लेंथ की रेशियो लें, जैसे ए बी आर्क की आप ए सी आर्क के साथ रेशियो लेते हैं, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा इक्वल होती है. ठीक है, अगर ये इक्वल है ना तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं. ए ओ बी को आपने थीटा की फॉर्म में डिफाइन किया है और वो थीटा रेडियंस के इक्वल है. ठीक है, और ए और सी को देखें तो वो आपको कन्फर्म है वो 1 रेडियन के इक्वल है, क्योंकि आपने ये डिफाइन किया कि जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होते हैं तो हमेशा वो एंगल जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है. ठीक है, ए बी को रिप्रेजेंट करने के लिए एल और ए सी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने आर यूज किया. ठीक है, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ चेक करें, रेडियन रेडियन विल बी कैंसल्ड आउट, द थीटा अपॉन 1 इक्वल्स एल बाय आर है. ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप इक्वेट करते हैं तो एल आर थीटा के इक्वल आ रहा है. ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, थीटा इज द एंगल इन अ सेक्टर. ठीक है, और एल इज द आर्क लेंथ इन द सेक्टर. ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन किया है बेसिक, उसमें एल इक्वल्स है आर थीटा के, तो इन सब टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, वेयर एल इक्वल्स आर्क लेंथ. ठीक है, और आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड थीटा इज एंगल. ठीक है, अगर ये सब आपको नोन होती है ना तो जो अननोन वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं जहां पे एल इक्वल्स आर थीटा यूज होता है. ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज सेक्टर, यू कैन सी दैट पिज्जा का एक स्लाइस अगर आप कंसिडर करते हैं ना, डेट इज बेसिकली सेक्टर. ठीक है,
सर्कुलर पिज्जा होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ आर्क लेंथ एल मेंशन कर देते हैं कि लेट सी एल आपको 4.5 डिफाइंड हो, ठीक है, और रेडियस आपको 2.5 गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि फाइंड थीटा हेयर, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए डाटा को लिख लें, दैट इज बेस्ट, ठीक है। एल इक्वल्स 4.5, थीटा इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, आर इक्वल्स 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल इक्वल्स आर थीटा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला में आप क्या करें, वैल्यू पुट कर लें, एल की जगह 4.5 पुट कर लें, थीटा अननोन है, आर की जगह आप 2.5 पुट कर लें, ठीक है। अब देखिए, हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा अननोन है, आप इसको एज इट इज लिख लें, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल होगा, 4.5 अपॉन 2.5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 4.5 और 2.5 इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आंसर विल बी 1.8। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 1.8 के इक्वल है, और ये आपके पास एंगल रेडियंस में फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बहुत से ऐसे फॉर्मुलेशन को यूज करके अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो थीटा अननोन था ना, तो इसी तरह आपको कोई और वैल्यू भी अननोन हो सकती है, जैसे आर अननोन हो या एल अननोन हो, तो अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला को एडजस्ट करके जो अननोन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।